So this time my travel spot is Edinburgh, which is in Scotland. Right now I am at the station, that's Waverley Station, Edinburgh. बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है. 6-7 घंटे की लॉन्ग जर्नी थी जो कि हमने LNER ट्रेन से की है. और बाहर जब हम निकले तो बहुत ही खूबसूरत शाम थी. आसमान में आप देख सकते हैं बहुत ही हसीन सा रेनबो. मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक कंप्लीट रेनबो देखा है. हमेशा आधा अधूरा रेनबो देखा है, लेकिन प्रॉपर रेनबो फर्स्ट टाइम देखा. उसके बाद एक डीप स्लीप ली हमने. और ये नेक्स्ट डे सुबह का नज़ारा है. ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ग्रास मार्केट, किक एस ग्रास मार्केट. बेसिकली ये हॉस्टल का नाम था. बिकॉज मेरे इस जर्नी का मोटिव यही था कि मैं एक इकोनॉमिकल ट्रिप करूं, दैट्स व्हाई आई स्टेड इन हॉस्टल्स. और ये शेयर्ड अकोमोडेशन होती है, आप इसमें रूम्स लेते हैं, डॉम्स रहते हैं बेसिकली. तो ये शेयर्ड डॉम मैंने लिया था और बहुत कंफर्टेबल था, बहुत अच्छी रात गुजरी. मेरा ओवरऑल एक्सपेंस भी इसकी वजह से काफ़ी कम हुआ. ये सामने जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं, ये बेसिकली ग्रास मार्केट की स्ट्रीट कहलाती है. और ये सामने फ्लावर से डेकोरेटेड, बिल्कुल एक पीकॉक की टेल की तरह का इन्होंने फ्लावर सेटअप किया हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है. और ये इसके टॉप पे आप देख सकते हैं लेफ्ट में एडिनबरा कासल है. एडिनबरा कासल सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है एडिनबरा आने के लिए. सो आज के जर्नी में हमने टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स सेलेक्ट किए थे, एंड वन ऑफ द स्पॉट इज कार्लटन हिल. कार्लटन हिल की खासियत ये है कि आपको हाइक करके ऊपर जाना पड़ता है. दैट वाज नॉट इजी पार्ट, बट टॉप पर जाके जो नज़ारा है, दैट्स वर्थ इट. ये जो सामने आर्किटेक्ट आप देख रहे हैं, ये कहलाता है नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि एथेंस में पार्थेनन के नाम से एक आर्किटेक्ट है, उससे इंस्पायर्ड है. जो कि एक टेम्पल है जो कि ग्रीक गॉडेस के लिए बनाया गया था एथेंस में. सो दैट्स इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस आर्किटेक्ट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आर्किटेक्ट जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि कहा जाता है स्कॉटिश गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहे थे इसको कम्प्लीट करने के लिए. और ये जो सामने आप आर्किटेक्ट देख रहे हैं, दैट्स एग्जैक्टली कॉल्ड दी कार्लटन हिल. कार्लटन हिल आने का जो मकसद था वो यही था. यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू आता है एडिनबरा के ओल्ड टाउन का, तो वो आप देख सकते हैं कि वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है. सामने क्लॉक टावर, चर्चेस के डोम, और ओवरऑल एडिनबरा सिटी का व्यू बहुत ही खूबसूरत है. शाम का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी, और ये व्यू वर्थ इट. सो आफ्टर क्लाइंबिंग कार्लटन हिल वी आर बैक इन द सेंटर. और ये प्रिंसेस स्ट्रीट में इन द हार्ट ऑफ द स्ट्रीट ये एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जिसे कहा जाता है स्कॉट मॉन्यूमेंट. ये एक फेमस ऑथर को डेडिकेट किया गया है, जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट है किसी ऑथर के लिए. ये गॉथिक स्टाइल का बना हुआ है, एंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव. आफ्टर दैट वी विजिटेड द नेशनल गैलरी ऑफ एडिनबरा. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ पर्सन जिसको आर्ट में कुछ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो, बट यहाँ की पेंटिंग वो काफ़ी दिलचस्प थी. और आप देखने पे मजबूर हो जाते हैं कि व्हाट द पेंटिंग इज़ अबाउट, और कितनी ही बेहतरीन पेंटिंग बनाई गई है. I visited Scotland for 4 days, so I decided कि जो भी popular tours हैं उनको avail किया जाए. So this is one of the tour named as Royal Yacht Britannia. Basically this is the yacht which Queen Elizabeth uses during her trips. जब वो commonwealth की different मुल्कों में जाया करती थी, so she used to travel in this yacht. और काफ़ी डिटेल टूर था इसमें. आपको वॉकी टॉकीज दे दिए गए थे, एंड जैसे जैसे आप इंटर होते थे वहाँ पर नंबरिंग थी, एंड देन यू प्ले दैट नंबर एंड देन यू हेयर अ रिकॉर्डिंग, जिसमें वो आपको बताया जाता था कि यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, या लाइक क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पे किन पर्सनैलिटीज़ के साथ इन्होंने बैठ के डिनर किया, या किन किन लोगों ने उनको विज़िट किया. तो उससे रिलेटेड आपको हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती थी. If you are someone who like to know about royal family and their visits and you know how they do their stuff, so maybe you like it. Start में मुझे ये अच्छा लगा, but थोड़े time के बाद boring हो गया, क्योंकि ये काफ़ी लंबा tour था. Then I got bored. But I think जो
जिस इंसान का इंटरेस्ट हो इन तमाम चीज़ों में, आई थिंक उसको पसंद आएगा. एंड एज आई टोल्ड कि मैंने इन्जॉय किया इनिशियली, बट देन इट वॉज टू लॉन्ग एंड देर वॉज सो मच टू लुक एंड सो मच टू लिसन, देन आई गॉट बोर्ड. आफ्टर दैट वी वेंट टू ईट समथिंग एंड इन्जॉय अ नाइस इवनिंग. सो हमने नेक्स्ट डे क्या क्या कवर किया जानने के लिए, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.